हेलो गाइस, आज मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ। एक मेरे मायके में शादी है, उसी में तैयार होके आज मैं ट्रेन पकड़ने जा रही हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगी अपने तरफ की शादी की कल्चर कैसे कैसे होता है। और ये मेरे लाइफ का फर्स्ट व्लॉग होगा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मायके जाने से पहले हम लोग अपना पैर हाथ रंगते हैं, और स्पेशली शादी में जाने से पहले तो पैर रंगना नेसेसरी ही है। ससुराल से मायके जाएं या मायके से ससुराल आए, तो हम लोग का चलन है कि पैर हम लोग रंगते हैं, अपना नाखून उखून भी नेल पॉलिश लगाते हैं। तो इसीलिए मैं अपने पैरों में लाल रंग का महावर लगा रही हूँ। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरी तैयारी अब लगभग 50% हो चुकी है, अभी और 50% बाकी है। 50% में रिच भी पहनना बाकी है, जो भी पहन रही हूँ मैं। अक्सर मैं इतना चूड़ी पहनती नहीं हूँ, लेकिन शादी में जाने के लिए तो पूरा भरा भरा हाथ अच्छा दिखता है ना, इसीलिए। चुड़ी तो हो गई, और बाल झाड़ लिया जाए। गर्मी काफ़ी है, इसलिए पसीना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेकअप के नाम पर मेरा एक लिपस्टिक रहता है और काजल रहता है। क्रीम पाउडर में यूज करती नहीं। पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं तैयार हूँ शादी एंजॉय करने के लिए। खुलाऊं, ये मेरा पर्स रहा, और मैं चलो कि अब हम लोग घंटा घर पहुंच चुके हैं। वहां से हम लोग टेम्पो में मैं और मेरे पति देव जी दोनों आदमी रक्सौल स्टेशन जाने लगे टेम्पो में बैठकर। ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं, सारा बॉर्डर एरिया आप देख रहे हैं, बीरगंज और रक्सौल के बीच का एरिया है। अब आप सामने देखेंगे गेटवे ऑफ बीरगंज, जो रक्सौल से एंट्री करने के बाद आपको बीरगंज जाने से पहले वहाँ पर गेट दिखेगा, उसको गेटवे ऑफ बीरगंज बोला जाता है। ये रहा आपका गेटवे ऑफ बीरगंज। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, सारे पैसेंजर लोग बैठे हुए हैं। हमारी ट्रेन खुल चुकी है, अब रात हो गई है। हम लोग थोड़ी देर में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल अभी उससे पहले बरगिनिया स्टेशन आएगा, और यहाँ पर सारे पैसेंजर लोग अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। बरगिनिया स्टेशन आ गई है, वहाँ पर थोड़ी देर ट्रेन रुकेगी, उसके बाद फिर ट्रेन रीगा के लिए खुल जाएगी।
अब रीगा स्टेशन आ गया, मैं उतर चुकी हूँ ट्रेन से और सामने आप देखिए मेरे उतरने के बाद ट्रेन खुल चुकी है वहाँ से, और मैं अपने भैया के इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आएंगे तब मैं घर चली जाऊँगी जहाँ मेरी चचेरी भतीजी की शादी होने वाली है। वैसे शादी तो सीतामढ़ी से होगी, फिलहाल अभी हम लोग रीगा घर पर जाएंगे।